भारत का आज तक का सबसे बड़ा बैंक का धोखाधड़ी का मामला DHFL नाम की एक कंपनी ने 17 भारत के बैंकों को लूटा करीब 34,000 करोड़ रुपए से और भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारत का सबसे बड़ा आज तक का बैंकिंग स्कैम और उसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई और ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पूरा मामला है और इसको CBI ने अपना आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ है। और 2015 से 2018 तक एक कंपनी लूटती रही भारत सरकार को, एक कंपनी लूटती रही जनता के पैसे को। एक संदिग्ध कंपनी है, एक कंपनी है जिसके खिलाफ केस चल रहा है, एक कंपनी है जिसने भारत का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का बैंक फ्रॉड किया है। भारतीय जनता पार्टी उस कंपनी से लगातार डोनेशन ले रही है। तो करीब 28 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कंपनी से लिए जिसने भारत के बैंकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया। क्योंकि किसी भी तौर से इतना बड़ा बैंक फ्रॉड देश में होता है 34,000 करोड़ का और वो कंपनी भाजपा की डोनर कंपनी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, भाजपा ने इन बैंक धोखेबाजों से लगातार 28 करोड़ रुपए जैसी मोटी राशि डोनेशन में क्यों ली? 14,000 करोड़ का चूना लगाया, 1800 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी ली, 2,60,000 फर्जी होम लोन अकाउंट बना दिए, चाहे वो ABG शिपयार्ड हो 20,000 करोड़ से ऊपर, चाहे वो DHFL हो जो आज 34,000 करोड़ के फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, जो बड़ा बड़ा चूना लगाकर इस देश को आपकी नाक के नीचे आपकी संस्थाओं को गोली देकर इस देश से चले गए। भारत का आज तक का सबसे बड़ा बैंक का धोखाधड़ी का मामला DHFL नाम की एक कंपनी ने 17 भारत के बैंकों को लूटा करीब 34,000 करोड़ रुपए से। लेकिन खबर उससे बड़ी यह है कि सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के तार, उसकी जड़ें, उसका संबंध सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है। और ऐसा वैसा संबंध नहीं है, संबंध गहरा है, जड़ें बहुत पनपी हुई हैं और इसके बारे में अभी हम 2 मिनट में आपसे बात करेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा आज तक का बैंकिंग स्कैम और उसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। आपके व्यूअर्स के लिए और आपकी जानकारी के लिए 2 मिनट में समय रेखा बता देते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। 2010 से 2018 के बीच में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो लीड बैंक कंसोर्शियम का है 17 बैंकों का, उसका कहना है कि DHFL ने करीब 42,000 करोड़ का ऋण लिया था और 2019 से डिफॉल्ट शुरू हो गया, वो ये ऋण वापस नहीं पे कर पा रहे थे। उसके बाद जब डिफॉल्ट शुरू हुआ तो एक स्पेशल ऑडिट बिठाया गया और उस स्पेशल रिव्यू ऑडिट में, जिसमें 2015 से 2019 की अवधि का ऑडिट हुआ, उसमें पाया गया कि DHFL ने बड़े तौर से धोखाधड़ी करी थी, अपनी किताबों में गड़बड़ी करी थी, अपने अकाउंट्स की लेजर में गड़बड़ी करी थी, उन्होंने राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स करी थी और पब्लिक का पैसा लेकर कुछ विशेष कपिल और दिनेश वधावन ने निजी संपत्ति बनाई थी। और ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पूरा मामला है और इसको CBI ने अपना आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ और उसको उन्होंने रजिस्टर किया। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि मार्च 2021 में CBI ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बड़े जोर शोर से 2015 में लॉन्च करी गई थी, उसमें भी DHFL और उनके प्रमोटर्स को आरोपी करार देते हुए केस दर्ज किया था। एक फिक्टिशियस बांद्रा ब्रांच के नाम से, सिर्फ ऑन पेपर बांद्रा ब्रांच के नाम से एक बैंक खोला गया जिसमें करीब 2,60,000 ऋण के खाते खोले गए और उससे इस कंपनी ने पैसा कमाया और पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन से भी कमाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यह घोटाला प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया, ये एक्चुअली यस बैंक का जब फोरेंसिक ऑडिट होने लगा तब सामने आया।
2015 से 2018 तक एक कंपनी लूटती रही भारत सरकार को, एक कंपनी लूटती रही जनता के पैसे को। वो पीएम आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया, वो यस बैंक में सामने आया। लेकिन अब सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर इस पूरे मामले में, और वो है उन जड़ों की बातें, उन तारों की बातें जो हमने पहले कही थी। एक संदिग्ध कंपनी है, एक कंपनी है जिसके खिलाफ केस चल रहा है, एक कंपनी है जिसने भारत का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।